साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दंदरुआ सरकार की, जय सियाराम। माइक माइक लो, रो ना बेटा, देख बालाजी ने कैसी सुन ली। माइक ले नेंगा राजा, रो मत रो मत, नजदीक आ जा, माइक उठाओ माइक उठाओ, रो मत बेटा। बोल सन्यासी बाबा की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल डॉक्टर हनुमान की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल माता पिता की जय। कहाँ से आए हो? उरई से। बोलो क्या प्रश्न है, पूछो। हमने बहन की शादी करी थी, ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया है। नजदीक आओ। हाँ। क्योंकि वो हनुमान बालाजी की पूजा करती है, इस वजह से। और मेरे घर में पूरा कलह रहता है। आपने यहाँ किसी को विषय बताए? अब हमने देखो कहाँ से आपकी अर्जी शुरू की, तुम भी सुनकर चौंकोगे। बहुत भला बुरा सुनाया बालाजी को कि क्या अपराध किया जो हमारी नहीं सुन रहे, आपके ही भक्त हैं। हाँ या ना? जी गुरुजी। यही कहा? जी गुरुजी। इसके आगे फिर हमने अर्जी शुरुआत की बालाजी ने। कृपा होगी, आशीर्वाद, बहन में सामंजस्य नहीं बनना है, वह परिवार विचित्र है, भगवत भक्त नहीं है, भगवत भक्त नहीं है। लेकिन कात्यायनी माता का उपाय करवाने से एक बार पहुंचा देंगे, कलेश कम होगा। आपके घर पर पहले से ही मेहंदीपुर बालाजी की सेवा हो रही है। माइक से बोलो। जी गुरुजी। मेहंदीपुर बालाजी की सेवा हो रही है, आप घबराए ना, अहित नहीं होगा। कलेश संकट के कारण है, आप 5 दिन तक जलेबी का प्रसाद लगा दें, कलेश मिट जाएगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। बोलो सन्यासी बाबा की। गुरुजी पाठ कब करवाना है? ये कब? जल्दी से जल्दी करवा देना। कौन सा पाठ करवाना है? कात्यायनी, हमने लिख देते हैं। जी। बहन जी भी आई है हमारे साथ, उनको आशीर्वाद है। तीन माला कात्यायनी देवी का ही हमने पाठ लिख दिया है, पाठ को करवाना है, बालाजी कृपा करेंगे और आज से ही दया होगी। संकट का कारण है, संकट यानी भूत बाधा। आपको भी पता है पूर्व में सवारी बनती थी, सवारी यानी भाव, कंपन होता था, एक को पकड़ता था, एक को छोड़ता था, गले में दिक्कत बनाता था। आपके घर पर यह तंत्र विद्या आज नहीं की गई, सन 2006 में की गई है, 2006 के बाद 2011 में की गई। 11 वाली तंत्र विद्या बहुत खतरनाक हुई, आपकी सगी समझ जाओ उन्हीं ने करी, जिनसे मची थी, ठीक है, उसका सहयोग रानी ने किया, रानी के सहयोग के कारण उसके रिश्तेदार धोबी, रिश्तेदारी का धोबी। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी, बिल्कुल सही है। हाँ या ना? बिल्कुल। उन तीनों ने मिलकर के ये तंत्र विद्या बर्बाद करने के लिए की है, और बहन पर भी तंत्र रखा है तो बहन का दिमाग घूम जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार गुमसुम बनी रहती है, और उसके ऊपर आरोप पति गलत लगाते हैं कि ये काम नहीं करती, नाटक करती, पाखंड फैलाती है, ढोंग करती है, और हमें ऐसा नहीं चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो माई सगी चाची आए, भगवान बचावे, हनुमान जी बचावे। अब समझ गए हमारी लड़ाई ना बिदवाइए, जान ने पट जाए, हमारी लड़ाई ना बिदवा दे राजा, मैं गरीब आदमी, डेढ़ हड्डी को मैं मर जाऊं बेटा, ले जा। जय बालाजी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सीताराम। साधु जी।